अपना जमाना वो खुद बनाते हैं, अहले दिल ये वो नहीं जिन्हें जमाने ने बनाया हो। इस वीडियो में हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये लाइन उनके लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वो सिर्फ 15,000 रुपए और माँ की दुआ के साथ मुंबई के लिए निकले थे। उनकी शक्ल एक परफेक्ट हीरो जैसी नहीं थी, लोग उनके हीरो बनने के सपने का मजाक भी बनाते थे, लेकिन उनकी माँ ने कहा था, मेरा बेटा दिलीप कुमार जैसा दिखता है और एक दिन वो उन्हीं के जैसा सुपरस्टार बनेगा। दोस्तों, उनकी माँ की दुआएं और उस लड़के की मेहनत रंग लाई और उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। दोस्तों, उनकी जेब में पैसे कम थे लेकिन हौसला बहुत था। अपने सपनों से समझौता करना उन्होंने सीखा ही नहीं था। उनकी राह में चट्टानों जैसी मुश्किलें थीं, लेकिन इनकी हिम्मत, हौसला और दृढ़ निश्चय चट्टानों से भी बड़े थे। इस स्टार ने जिंदगी में हमेशा बड़ा सोचने और उसके लिए जी जान लड़ाने पर ही काम किया है। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने हर सपने को सच किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान की। हमने एक दिन में अपना सब कुछ खो दिया और उस दिन जाना कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है। दोस्तों, ये वीडियो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होने वाली है, इसीलिए एंड तक जरूर देखें। और अगर आप शाहरुख खान को पसंद करते हैं तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दें। दोस्तों, शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। शाहरुख खान के फादर मीर ताज मोहम्मद खान एक फ्रीडम फाइटर रहे थे, जो बंटवारे के बाद दिल्ली आकर रहने लगे थे। वो जब दिल्ली आकर रहने लगे थे तब उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, उनके परिवार को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में तो उनके पिता को 2 वक्त का खाना जुटाने में भी बहुत मुश्किलें आ रही थीं। कुछ समय मेहनत करने के बाद उनके पिता ने कुछ छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट कर दिए, लेकिन जब उनके पिता की शादी उनकी माँ लतीफ फातिमा से हुई तो वहाँ से उनकी कंडीशन काफी चेंज हो गई, क्योंकि उनकी माँ मजिस्ट्रेट और सोशल वर्कर बन गई थी। लेकिन ये काफी बाद की बात है। शाहरुख खान का बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके की गलियों में बीता। दोस्तों, शाहरुख के घर के आगे आज बेशक हजारों फैंस सेल्फी लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपना बचपन एक किराए के घर में बिताया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि शाहरुख का असली नाम शाहरुख नहीं बल्कि अब्दुल रहमान था। ये नाम शाहरुख खान को उनकी नानी ने दिया था, लेकिन शाहरुख खान के पिता को उनका ये नाम पसंद नहीं आया और पिता ने ही शाहरुख का नाम अब्दुल से बदलकर शाहरुख कर दिया। शाहरुख के नाम का मतलब होता है राजशाही। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम शहनाज लालारुख है। शाहरुख खान का बचपन भले ही गरीबी और स्ट्रगल में बीता, लेकिन अपने पिता के दिए इस नाम के साथ उन्होंने पूरी इंडस्ट्री में किंग की तरह राज किया। शाहरुख ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से पूरी की। शाहरुख पढ़ाई में बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन वो दूसरी एक्टिविटीज में हमेशा अव्वल रहते थे। स्कूल में हर फील्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें स्कूल का वेस्ट अवार्ड सॉर्ट ऑफ ऑनर भी मिला था। शाहरुख खान स्कूल टाइम में बहुत शरारती थे, उन्होंने टीचर्स की नाक में दम कर रखा था और इस वजह से उनकी स्कूल में पिटाई भी हो जाया करती थी। शाहरुख को बचपन से ही स्टाइलिश रहना काफी पसंद था, वो अपने बाल हमेशा लंबे रखते थे, लेकिन उनके स्कूल में बड़े बाल रखने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए अक्सर वो क्लास से निकाल खड़े कर दिए जाते थे। दोस्तों, ये बात दिलचस्प है कि बचपन में उन्होंने एक्टर नहीं कोई खिलाड़ी बनने का सपना देखा था। वो पढ़ाई लिखाई में तो ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, पर स्पोर्ट्स में वो बहुत ज्यादा मन लगाते थे। वो स्कूल में हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट सहित कई सारे स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया करते थे। वो सबसे अच्छे हॉकी में थे और तब वो हॉकी नेशनल लेवल पर इंडिया के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन दोस्तों, उनका हॉकी प्लेयर बनने का सपना सपना ही रह गया, क्योंकि खेलते हुए उन्हें कंधे पर गंभीर चोट लग गई, इसी वजह से उनका हॉकी से ब्रेक हो गया। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस चोट की वजह से मुझे आज भी कई मेडिसिन लेनी पड़ती हैं।
दोस्तों वो कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर शाहरुख को वो चोट नहीं लगती तो वो हॉकी ही खेलते, जिस वजह से हमें इतना बड़ा बॉलीवुड स्टार नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं शाहरुख खान का ध्यान एक्टिंग की तरफ कैसे आया। दरअसल लेडी श्रीराम कॉलेज में एक प्ले होने वाला था। शाहरुख खान के माँ पापा ने उन्हें वो प्ले देखने को कहा। उन्हें ये प्ले अच्छा लगा और यहीं से शाहरुख को एक्टिंग में इंटरेस्ट आया। उस टाइम शाहरुख के पिता नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलाते थे और शाहरुख अपना काफी टाइम वहां भी स्पेंड करते थे। शाहरुख ने उस कॉलेज में जाकर एक और प्ले देखा जिससे वो बहुत प्रभावित हुए। वहां पर उनके मन में ये सवाल आया कि आखिर एक्टर बना कैसे जाता है। उन्होंने मन ही मन ये तय कर लिया कि उन्हें एक्टिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है। वो अपने एक्टर बनने के सपने के बारे में अपने पापा को बताना चाहते थे, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्होंने काफी हिम्मत की, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं जब शाहरुख खान अपने सपने के बारे में अपने पिता को बता सकें। कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि उनके पिता को कैंसर है, जिसके बाद उनका परिवार एकदम से टूट सा गया। शाहरुख के पिता का कैंसर पता चलने के 3 महीने बाद ही साल 1984 में जब शाहरुख 16 साल के थे, तब उनके पिता की डेथ हो गई। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि पिता की डेथ के बाद जब एक पड़ोस का ड्राइवर उनको और उनकी मां को हॉस्पिटल ले जा रहा था, तब उन्होंने ड्राइवर को बड़बड़ाते सुना, जिसमें वो बोल रहा था कि मरे हुए इंसान के लिए तो कोई टिप भी नहीं देता। ये बात शाहरुख खान को अच्छी नहीं लगी थी। हॉस्पिटल से लौटते वक्त वो गाड़ी खुद चलाकर लाए थे। शाहरुख को गाड़ी चलाता देख उनकी मां ने उनसे पूछा कि तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा, तो शाहरुख ने जवाब दिया, मां बस अभी अभी। जी हां दोस्तों, शाहरुख ने पहली बार वहां गाड़ी चलाई थी। दोस्तों मजबूरियां भी आपको कभी कभी बहुत कुछ सिखा देती हैं। शाहरुख खान के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें हालात और मजबूरियों ने उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया था। शाहरुख अपने पिता को अपना आइडियल मानते थे। शाहरुख के पिता उनसे बोला करते थे, जिस चीज में दिल लगे वही करना, जिसमें दिल ना लगे वो बिल्कुल मत करना, और कुछ ना करने का मन हो तो कुछ मत करना, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। अपने पिता की बोली ये बात शाहरुख ने हमेशा फॉलो की। शाहरुख खान के पिता उन्हें छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी बातें सिखाया करते थे। शाहरुख के पिता की डेथ के बाद उनकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी माँ पर आ गई थी, लेकिन शाहरुख ने अपनी माँ को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया। वो दिन में स्कूल जाया करते थे, शाम को अपने पिता का कैंटीन संभालते थे। ये उनके लिए चैलेंजिंग फेज था, लेकिन उन्होंने कभी हौसला नहीं खोया। साल 1988 में शाहरुख ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से अपनी इकोनॉमिक्स की डिग्री कंप्लीट की। ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। शाहरुख का काफी समय वहां गुजरा करता था। इस थिएटर ग्रुप से उन्होंने डायरेक्टर बेरी जॉन की मेंटरशिप में एक्टिंग सीखना स्टार्ट किया। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद शाहरुख ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में मास कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन एक्टिंग करियर की वजह से वो अपनी ये पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। शाहरुख ने जब थिएटर में जाना शुरू किया था तो उनके साथी कलाकार उनके लुक्स का मजाक बनाया करते थे, लेकिन शाहरुख ने इधर उधर किसी पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य और एक्टिंग सीखने पर फोकस रखा। शाहरुख ने वहां बहुत शिद्दत से काम किया और कुछ टाइम बाद वो थिएटर के पसंदीदा कलाकार बन गए, और इसी वजह से उन्हें टीवी पर सीरियल में काम करने का मौका मिला। साल 1988 में दूरदर्शन पर एक फौजी शाहरुख खान का पहला टीवी शो माना जाता है, लेकिन उनका पहला शो फौजी नहीं बल्कि दिल दरिया था। दिल दरिया शो की शूटिंग में डिले होने की वजह से फौजी उनके एक्टिंग करियर का फर्स्ट शो बना। सीरियल दिल दरिया में काम करने के लिए शो के प्रोड्यूसर लेख टंडन ने शाहरुख से एक शर्त रखी थी। दरअसल उस टाइम शाहरुख लंबे लंबे बाल रखा करते थे। लेख ने उनसे बोला कि सीरियल में काम करने के लिए उन्हें अपने बाल छोटे करवाने पड़ेंगे। शाहरुख को अपने बड़े बालों से बहुत प्यार था, लेकिन क्योंकि उन्हें काम करना था इसीलिए बहुत उदास मन से उन्हें अपने बाल कटवाने पड़े। दोस्तों साल 1989 में शाहरुख का एक दूसरा केवल
नाम का भी टीवी शो आया था। शाहरुख को इसके बाद अगला टीवी शो मिला सर्कस। इस शो में शाहरुख के साथ लीड एक्ट्रेस थी रेणुका सहाड़े। कई साल बाद एक्ट्रेस रेणुका ने एक इंटरव्यू में कहा था, शाहरुख के लिए उस समय भी लोगों में बहुत क्रेज था क्योंकि उनका पहला शो फौजी बड़ा हिट रहा था। उस समय शाहरुख कोई फिल्म स्टार नहीं थे, फिर भी एक बार उन्हें देखने के लिए 20,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। दोस्तों, शाहरुख खान की ये तमन्ना थी कि वो अपनी कामयाबी अपनी मां को दिखाएं। जिस समय शाहरुख सर्कस टीवी शो कर रहे थे उन दिनों उनकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई और साल 1990 में उनकी मां की डेथ हो गई। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट थी। शाहरुख उस समय अपनी माँ से मिलने नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें किसी ने बताया था कि अगर वो प्रे करते रहेंगे तो उनकी माँ को कुछ नहीं होगा। शाहरुख ने बताया कि उन्हें किसी ने 100 बार दुआ पढ़ने के लिए बोला था लेकिन वो 100 से भी ज्यादा बार दुआ पढ़ चुके थे। तभी सडनली डॉक्टर आया और बोला कि तुम ICU में जा सकते हो। इसका मतलब ये था कि उनकी माँ का लास्ट मोमेंट आ चुका था। शाहरुख अपनी माँ की बिगड़ती तबीयत से बहुत परेशान थे और वो चाहते थे कि माँ उन्हें छोड़कर ना जाए। जब वो अपनी माँ से मिलने ICU में गए थे तब उन्होंने एक थ्योरी बना ली थी जिससे उन्हें लगा कि अब वो दुनिया छोड़कर नहीं जाएंगी। उन्हें लगा कि अगर वो माँ से बुरी बुरी बातें कहेंगी तो वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। उन्होंने माँ से ये तक कहा था कि मैं बड़ी बहन को बहुत परेशान करूँगा, करियर में कुछ नहीं करूँगा, शराबी बन जाऊँगा। लेकिन इन सब बातों का कोई फायदा नहीं हुआ और उनकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। अपनी माँ की मौत के बाद शाहरुख काफ़ी टूट गए थे। उस समय शाहरुख खान की उम्र 25 साल थी। माँ के जाने के बाद शाहरुख ने खुद को कैसे भी करके संभाल लिया लेकिन उनकी सिस्टर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो डिप्रेशन में चली गईं। उन दिनों शाहरुख अपने काम के साथ साथ अपनी सिस्टर का भी ख्याल रखा करते थे। कुछ टाइम बाद शाहरुख साल 1991 में बॉलीवुड एक्टर बनने के सपने के साथ दिल्ली से मुंबई आ गए। शाहरुख जब मुंबई पहुंचे तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। कुछ दिनों के लिए शाहरुख किन्हीं जान पहचान वालों के घर में रहे। उसके बाद उन्होंने किराए के कमरे में रहना स्टार्ट कर दिया। शाहरुख जब मुंबई आए थे तो उन्हें सिर्फ एक्टिंग का ही शौक था। शाहरुख ने जब काम तलाशना शुरू किया तो उन्हें बहुत डिमोटिवेशन और निगेटिविटी का सामना करना पड़ा। कोई उनसे कहता था तुम्हारी नाक खराब है, कोई कहता था तुम्हारी हाइट कम है, कोई कहता था तुम्हें बोलना ठीक से नहीं आता, तुम में बहुत कमियां हैं, तुम कभी हीरो नहीं बन पाओगे। शाहरुख किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे मुझे एक्टिंग का शौक है जिसे मैं मार नहीं पाऊंगा, फिर चाहे कामयाबी मिले या ना मिले। शाहरुख लगातार काम तलाशते रहे। काफी भटकने के बाद उन्हें एक मूवी में ब्रेक मिला। ये मूवी थी दिल आसना है। दोस्तों, उस समय की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी टीवी की वजह से शाहरुख को जानती थी, इसीलिए दिल आसना है मूवी के लिए हेमा मालिनी ने शाहरुख को पसंद किया था। ये मूवी हेमा मालिनी ने ही डायरेक्ट की थी। जब शाहरुख फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले हेमा मालिनी के बंगले पर पहुंचे तो वो बहुत नर्वस थे। शाहरुख को नर्वस देख हेमा ने शाहरुख को समझाया कि तुम ये रोल आसानी से कर लोगे। हेमा की बातों से शाहरुख को बहुत पॉजिटिव फीलिंग मिली। हेमा ने शाहरुख से ये भी बोला था कि तुम्हारी नाक बहुत अच्छी है। ड्रीम गर्ल ने जब उनकी तारीफ की तो उन्हें लगा कि ये कोई ड्रीम तो नहीं, लेकिन ये सच था। दोस्तों, दिल आसना है मूवी दिसंबर 1991 में रिलीज होनी थी पर उसी टाइम बाबरी मस्जिद विवाद खड़ा हो गया जिस वजह से इस मूवी की रिलीज डेट डिले होती रही। दिल आसना है मूवी मिलने के कुछ टाइम बाद ही शाहरुख को दीवाना मूवी में कास्ट कर लिया गया था। दीवाना मूवी साल 1992 में रिलीज हुई थी। दिल आसना है मूवी रिलीज होने से 2 वीक पहले दीवाना मूवी रिलीज हो गई, इसीलिए दीवाना मूवी ही शाहरुख की डेब्यू फिल्म मानी जाती है। दीवाना मूवी को राज कपूर ने डायरेक्ट किया था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि मुंबई की सड़कों पर बाइक चलाते हुए इस फिल्म में नजर आने वाला ये सिंपल सा लड़का एक दिन पूरी इंडस्ट्री का बादशाह बनेगा। शाहरुख की उस साल आई ये दोनों ही फिल्में बहुत कामयाब रही थी जिस वजह से शाहरुख ने कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया था।
दोस्तों 25 मई 1992 को दीवाना मूवी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख लीड रोल में नहीं बल्कि साइड रोल में थे। फिल्म में दिव्या भारती और ऋषि कपूर लीड रोल में थे। शाहरुख खान की तरह दिव्या भारती की भी बॉलीवुड में ये डेब्यू फिल्म थी। दोस्तों शाहरुख ने जो रोल किया वो पहले एक्टर अरमान कोहली को ऑफर किया गया था, उन्होंने फिल्म भी साइन कर ली। मूवी की एक्ट्रेस दिव्या भारती के साथ अरमान का पोस्टर भी शूट हो गया था, लेकिन एक और शूटिंग शेड्यूल होने के कारण अरमान को ये फिल्म छोड़नी पड़ी। बाद में अरमान कोहली का रोल शाहरुख को मिल गया। दोस्तों साल 1992 की दीवाना मूवी दूसरी सबसे बड़ी हिट मूवी रही, जिसे 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे। क्योंकि शाहरुख के अलावा दिव्या भारती की भी ये डेब्यू फिल्म थी, तो दोनों को ही बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला था। दीवाना मूवी के बारे में शाहरुख कहते हैं कि उस मूवी में मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, मूवी में मैंने काफी ओवर एक्टिंग की थी। शाहरुख खान को तो अपनी एक्टिंग पसंद नहीं आई, पर ऑडियंस ने उन्हें और उनकी एक्टिंग दोनों को ही बहुत पसंद किया। ये सब गवाह है। अरे ठोकर मारता हूँ, ठोकर तुम्हारे इस नाम दौलत और शर्म। दोस्तों शाहरुख बताते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत गुस्सा आया करता था, इसी वजह से उन्हें एक रात जेल में भी बितानी पड़ी थी। दरअसल एक मैगजीन ने शाहरुख के खिलाफ कुछ गलत छाप दिया था, इससे नाराज होकर शाहरुख ने उस मैगजीन के ऑफिस में जाकर हंगामा मचा दिया। मैगजीन के ओनर ने शाहरुख खान के ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दी। ऑफिस में हंगामा करके शाहरुख खान अपनी फिल्म की शूटिंग पर चले गए। सेट पर पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंच गई। पुलिस को देखकर शाहरुख को लगा कि वो कोई फैंस हैं। बाद में उन्हें पता चला कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए आई है। उस दिन शाहरुख खान ने पहली बार जेल को अंदर से देखा था। दोस्तों दीवाना मूवी हिट होने के बाद शाहरुख को और भी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। शुरुआती टाइम में शाहरुख ने कई नेगेटिव रोल भी किए, जिनमें उनकी एक्टिंग और भी ज्यादा बेमिसाल थी। ऐसी ही फिल्म उनकी साल 1993 में आई थी, नाम था बाजीगर। ये मूवी बहुत बड़ी हिट रही थी। इस मूवी को अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था। शाहरुख खान से पहले इस फिल्म के लीड रोल के लिए अनिल कपूर, अक्षय कुमार और सलमान खान को भी अप्रोच किया गया था। अनिल कपूर और अक्षय कुमार ने नेगेटिव रोल की वजह से ये मूवी रिजेक्ट कर दी। वहीं सलमान खान के पिता इस मूवी की थोड़ी सी स्क्रिप्ट बदलवाना चाहते थे, लेकिन जब उनकी शर्त नहीं मानी गई तो सलमान ने भी ये मूवी करने से मना कर दिया। इसके बाद डायरेक्टर ने शाहरुख खान से बात की और शाहरुख ये मूवी करने को तैयार हो गए। सस्पेंस और थ्रिलर वाली इस मूवी को ऑडियंस का बेसुमार प्यार मिला। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये फिल्म 1993 की चौथी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। साल 1993 में ही शाहरुख की एक और नेगेटिव रोल वाली फिल्म आई थी, जिसका नाम था डर। इस मूवी में शाहरुख खान के हकलाने वाले अंदाज को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। अंजाम, डुप्लीकेट और डॉन फिल्म में भी नेगेटिव रोल किए और उन्हें काफी पसंद किया गया। अपने करियर के शुरुआती सालों में नेगेटिव रोल के साथ हिट होने के बाद भी शाहरुख खान रोमांटिक फिल्मों के बादशाह बने। दोस्तों साल 1995 में आई रोमांटिक मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है। इसी फिल्म से शाहरुख खान की किंग ऑफ रोमांस की इमेज क्रिएट हुई। दोस्तों शाहरुख खान ये फिल्म करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने एक दो बार नहीं, 4 बार इस फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था। उस वक्त शाहरुख खान को लगता था कि रोमांटिक रोल प्ले करने के लिए उनकी एज ज्यादा है। इसके अलावा उन्हें नेगेटिव रोल में भी काफी पसंद किया गया था। वो अपनी उस इमेज को ब्रेक भी नहीं करना चाहते थे। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा ने शाहरुख खान को बहुत समझाया। उन्होंने बोला, अगर इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनाना है तो रोमांटिक रोल करने ही होंगे। इसके बाद शाहरुख खान ने इस मूवी के लिए हाँ बोल दिया। ये मूवी उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और वो रोमांटिक हीरो के तौर पर प्रसिद्ध होने लगे। सिर्फ 4 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 112 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। ये कलेक्शन उस टाइम के हिसाब से बहुत था।
इस मूवी को साल 1996 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में 14 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से इस मूवी ने 10 अवार्ड्स जीते थे। मूवी में शाहरुख खान की पहनी हुई सिग्नेचर लेदर जैकेट ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर हुई थी। इस जैकेट को उदय चोपड़ा ने कैलिफोर्निया के एक स्टोर से $400 में खरीदा था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के बाद शाहरुख खान ने कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, जोश, परदेश, चाहत, चमत्कार, कभी अलविदा ना कहना, जब तक है जा, मैं हूं ना वीर जारा और ओम शांति ओम जैसी रोमांटिक फिल्मों में बेहतरीन काम करके किंग ऑफ रोमांस का टैग हासिल किया। रोमांटिक सॉन्ग्स में शाहरुख खान का बाहें खोले प्यार का इजहार करने वाला सिग्नेचर स्टाइल काफी पॉपुलर हुआ। शाहरुख खान ने लोगों को अपनी एक्टिंग से सिर्फ हंसाया या रुलाया ही नहीं, बल्कि प्यार करना भी सिखाया। इन फिल्मों के अलावा शाहरुख खान की पठान, जवान, दिलवाले, माय नेम इज खान, चेन्नई एक्सप्रेस, रईस, रब ने बना दी जोड़ी, हैप्पी न्यू ईयर, देवदास, बादशाह, स्वदेश, चक दे इंडिया, कोयला, अशोका, चमत्कार, ये फिल्में भी बहुत सक्सेसफुल रहीं। शाहरुख खान ने अपने फिल्मों के साथ तेजी से सक्सेस हासिल की और करते ही चले गए। कहा जाता है कि जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो वो रुक जाता है, लेकिन शाहरुख खान ने ऐसा कभी नहीं किया। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बोला, मैं कई सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज भी जब मैं सेट पर पहुंचता हूं तो ऐसे बिहेव करता हूं जैसे मुझे कुछ नहीं आता। उनकी हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश और नया सीखने की आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। शाहरुख खान का नाम आज इंडिया के रिच एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर है, लेकिन इस मुकाम पर बने रहने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, शाहरुख खान एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। बचपन उन्होंने काफी आर्थिक तंगी का सामना करते हुए गुजारा, लेकिन आज शाहरुख खान की नेटवर्थ 6,000 करोड़ रुपए है। उनका मुंबई में मन्नत नाम का एक आलीशान बंगला है जिसकी कीमत 250 करोड़ रुपए है। ये बंगला 27,000 स्क्वायर फीट में बना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शाहरुख खान की शादी और लव स्टोरी के बारे में, जो काफी दिलचस्प है। साल 1984 में एक फंक्शन में पहली बार 18 साल के शाहरुख ने 14 साल की गौरी को देखा। शाहरुख को पहली मुलाकात में ही गौरी काफी पसंद आ गई। उस फंक्शन में शाहरुख ने गौरी से डांस के लिए पूछा तो गौरी ने उनसे ये बोल दिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हैं। शाहरुख शकल उतार कर वापस आ गए। बाद में उन्हें पता चला कि गौरी अपने बॉयफ्रेंड का नहीं, अपने भाई का इंतजार कर रही थी। इसके बाद शाहरुख खान गौरी से मिलने के लिए उनका आने जाने का पता करने लगे। शाहरुख खान देखने में तो क्यूट थे ही, साथ ही उनका एटीट्यूड भी बहुत अट्रैक्टिव था, इसीलिए गौरी भी शाहरुख को धीरे धीरे पसंद करने लगी और धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो गई। दोनों ने घर के लैंडलाइन नंबर शेयर किए। दोनों ने ही बात करने का एक टाइम फिक्स किया था जब गौरी के घर वाले इधर उधर होते थे। अब इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोस्तों, शाहरुख कुछ टाइम बाद गौरी को लेकर काफी पॉजेसिव हो गए थे। वो गौरी से सफेद शर्ट पहनने से मना किया करते थे और उन्हें बाल खुले रखने से भी रोकते थे। उन्हें लगता था कि गौरी खुले बालों में ज्यादा खूबसूरत लगती हैं और सफेद कपड़ों में कभी कभी अंदर के कपड़े भी चमकते हैं। इसी वजह से शाहरुख उन्हें रोका करते थे। इस रोक टोक से गौरी परेशान हो गई और इसीलिए इन दोनों की लड़ाई हो गई। शाहरुख से गौरी नाराज थी, इसीलिए वो बिना बताए अपने दोस्तों के साथ मुंबई चली गईं। शाहरुख को गौरी का पता नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए वो बहुत परेशान हो गए। बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने पता लगा लिया और पता लगाते ही वो मुंबई के लिए निकल गए। वो गौरी की तलाश में मुंबई की सड़कों पर काफी भटके। उन्होंने गौरी को भूखे प्यासे बहुत ढूंढा, लेकिन गौरी नहीं मिली। एक दिन वो गौरी को ढूंढते ढूंढते थक हार कर मुंबई के गोराई बीच पर जाकर बैठ गए। वहां बैठे बैठे ही उन्हें गौरी दिखाई दी। गौरी को सामने देखकर वो बहुत उतावले हो गए। यहाँ उन्होंने गौरी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। गौरी ने बोला, मुझे कुछ टाइम चाहिए। कुछ टाइम बाद वो शादी के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, जब शाहरुख एक टीवी स्टार बन गए
तब गौरी ने शाहरुख से शादी करने की बात अपने घर पर बोली। गौरी के घर वालों ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। शाहरुख को लगा कि गौरी के घर वालों को उनके मुसलमान होने से परेशानी है, इसीलिए शाहरुख ने बोला कि मैं अपना नाम और धर्म बदल लूंगा। लेकिन गौरी के घर वालों को उनके धर्म के साथ साथ काम से भी दिक्कत थी। शाहरुख खान ने गौरी से शादी करने के लिए बहुत पापड़ बेले। शाहरुख को गौरी के भाइयों से मारने की भी धमकियां मिलती थीं, लेकिन शाहरुख गौरी को छोड़ने के बारे में नहीं सोचते थे। साल 1991 में जब शाहरुख को उनकी पहली मूवी मिली तो उन्होंने गौरी से शादी करने का मन बना लिया। उन्होंने गौरी के घर पर बात की। गौरी के घर वालों ने शाहरुख से ये कहा कि इंडस्ट्री के लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहते हैं, तुम्हारा भरोसा हम कैसे करें। शाहरुख ने गौरी के घर वालों को विश्वास दिलाया कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसके बाद बड़ी मुश्किलों से गौरी के घर वाले राजी हो गए और फिर 25 अक्टूबर 1991 को इन लोगों की हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। दोस्तों, इस कपल की शादी को 32 साल हो चुके हैं और अब ये परिवार दो लोगों का नहीं 5 लोगों का हो चुका है, जिसमें शाहरुख के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। शाहरुख और गौरी की जोड़ी बॉलीवुड की परफेक्ट जोड़ी मानी जाती है और ये जोड़ी कभी विवादों में नहीं पड़ी। जैसा शाहरुख खान ने गौरी के घर वालों से वादा किया था कि वो किसी भी अफेयर में नहीं पड़ेंगे और वो अपने वादे के पक्के निकले। चलिए दोस्तों, अब शाहरुख की कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज और चैलेंजेस की बात करते हैं। शाहरुख पर कई बार पाकिस्तानी प्रेमी होने के आरोप लगे हैं। साथ ही उन पर बड़ा विवाद तब हुआ जब उन्होंने बोला कि देश में कट्टरता बढ़ गई है। इस बयान के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद ने शाहरुख से पाकिस्तान आने को कहा। इस पर बहुत से लोग शाहरुख से नाराज हो गए। हालांकि शाहरुख खान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और शाहरुख खान कभी जाति और मजहब पर बोलते भी नहीं हैं। वो कहते हैं, मेरी पत्नी आज भी हिंदू है और एक समय उससे शादी करने के लिए मैं भी हिंदू बनना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसके घर वाले मान गए। शाहरुख कहते हैं, मेरा सबसे बड़ा धर्म है हार्ड वर्क। दोस्तों, IPL सीजन 3 की नीलामी के समय शाहरुख ने कहा था कि मैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL में खिलाने के पक्ष में हूं। बाकी किसी टीम की फ्रेंचाइजी इस पर राजी नहीं हुई तो इसके लिए भी लोगों ने शाहरुख को पाकिस्तानी प्रेमी कहा। IPL के दौरान मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान की एंट्री पर बैन लगा दिया। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों का कहना था कि शाहरुख खान ने स्टेडियम के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बदतमीजी की है। साल 2009 में शाहरुख खान को खान सरनेम की वजह से 2 घंटे न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर रोक के रखा गया था। कहा जाता है कि वहां उनके कपड़े उतरवाकर जांच की गई। वो साउथ एशिया जा रहे थे जहां किसी कार्यक्रम में उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। आमिर खान ने एक रियलिटी शो होस्ट करने के दौरान शाहरुख खान को इग्नोर कर दिया था। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे को खटकने लगे। इसी कंट्रोवर्सी के दौरान आमिर खान ने अपने कुत्ते का नाम शाहरुख रख दिया था, जिससे ये कंट्रोवर्सी काफी बड़ी हो गई। शाहरुख खान और सलमान खान के करियर के शुरुआती दिनों में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन सक्सेस मिलने के साथ दोनों में दूरियां बढ़ती गईं। एक बार सलमान ने ये तक कह दिया था कि वो अब कभी शाहरुख के दोस्त नहीं बन सकते। दरअसल इन दोनों का विवाद शुरू हुआ एक्ट्रेस कटरीना कैफ की एक पार्टी से। बताया जाता है कि शाहरुख ने सलमान की पुरानी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय को लेकर कुछ बोल दिया था, जिसके बाद इन दोनों में दूरियां आ गईं। हालांकि कुछ साल बाद ये दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, वाइफ गौरी से अपने प्यार के लिए मशहूर शाहरुख खान का नाम एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ भी जुड़ा था। शाहरुख से जब इस अफेयर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे फालतू के रूमर्स बताए, वहीं प्रियंका ने भी इसे रूमर्स ही बताया। दोस्तों, शाहरुख खान को अब तक टोटल 8 बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड शाहरुख खान के अलावा एक्टर दिलीप कुमार को ही मिले हैं। जैसा कि शाहरुख खान की मां बोला करती थीं कि मेरा बेटा बड़ा होकर दिलीप कुमार बनेगा, तो इस तरह शाहरुख खान अपने वक्त में दिलीप कुमार से भी ज्यादा फेमस हो गए।
इन अवार्ड्स के अलावा भी शाहरुख खान पर ढेर सारे अवार्ड्स हैं। शाहरुख ने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, इसीलिए वो दूसरों की हेल्प के लिए भी हमेशा आगे रहते हैं। शाहरुख खान ने अपने पिता की याद में मीर फाउंडेशन की शुरुआत की। ये फाउंडेशन एसिड अटैक सर्वाइवर्स को लीगल सपोर्ट और जॉब दिलाने में हेल्प करती है। शाहरुख खान के पिता की डेथ माउथ कैंसर की वजह से हुई थी, इसीलिए शाहरुख खान अपने पिता की याद में कैंसर पेशेंट्स की भी हेल्प करते हैं। मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में शाहरुख ने कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट्स बनवाया है। यहाँ आने वाले पेशेंट्स का ट्रीटमेंट का खर्चा शाहरुख खान उठाते हैं। शाहरुख खान को आईपीएल सीजन 7 में जो पैसा मिला था उसमें से 15 करोड़ रुपए उन्होंने कैंसर पेशेंट्स को दान कर दिए। साल 2005 में शाहरुख ने उड़ीसा के 5 विलेज को गोद लिया था। उन्होंने सालों से अंधेरे में जी रहे इन गांवों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई। एक बार शाहरुख खान का इंटरव्यू लेने के बाद उस रिपोर्टर का एक्सीडेंट हो गया था। शाहरुख ने उस रिपोर्टर के ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा उठाया था। रिपोर्टर के ट्रीटमेंट में हर दिन 2 लाख रुपए खर्च हुए थे। कोरोना की जंग में भी शाहरुख खान ने लोगों की काफी मदद की थी। उन्होंने पीएम रिलीफ फंड में करोड़ों रुपए की मदद दी थी। इसके अलावा उन्होंने मुंबई के 5500 परिवारों को उस दौरान खाना और भी जरूरतों की चीजें अवेलेबल कराई थीं। इसके अलावा उन्होंने मुंबई में रहने वाले लेबर्स को भी फूड प्रोवाइड करवाया था। इस सब से आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ शाहरुख एक नेक दिल इंसान भी हैं। उन्होंने अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भी किया है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, जब शाहरुख इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो कई बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स ने उनसे ये कह दिया था कि उनकी शक्ल हीरो जैसी नहीं है और वो बॉलीवुड में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें करियर के फर्स्ट ब्रेक के साथ ही सक्सेस मिलने लगी थी। जब आपको अपनी स्किल पर और खुद पर भरोसा हो तो कभी दूसरों की बात सुनकर डिमोटिवेट होना नहीं चाहिए। आप अपने काम से लोगों का जवाब दें, जो आप में कमियां निकाल रहे हैं वो भी एक दिन आपको फॉलो करेंगे। किंग खान के स्ट्रगलिंग डेज में उन्हें कुछ स्टार्स से सपोर्ट भी मिला था, खासकर एक्ट्रेस हेमा मालिनी से। शाहरुख अक्सर हेमा मालिनी की उस मदद का जिक्र करके सबको बताते आए हैं कि वो हेमा मालिनी के बहुत शुक्रगुजार हैं। शाहरुख से ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में जब कोई टफ टाइम में आपकी मदद करे तो उसे हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, शाहरुख की बढ़ती फैन फॉलोइंग के साथ साथ उनकी इनकम भी बढ़ती ही जा रही है। हालांकि चांदनी चौक की गलियों से लेकर मन्नत तक की उनकी जर्नी आसान नहीं थी, लेकिन आज वो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर हैं। उन्होंने कमाई के मामले में हॉलीवुड के फेमस एक्टर टॉम क्रूज को भी पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख खान के बंगले को मुंबई का आइकॉनिक प्लेस भी बोला जाता है। साल 1997 में जब यस बॉस मूवी की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान ने पहली बार मन्नत को देखा था, तभी शाहरुख खान ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एक दिन इस बंगले को जरूर खरीदेंगे। उस टाइम मन्नत में कोई गुजराती बिजनेसमैन रहा करते थे, तब मन्नत का नाम विला वीना हुआ करता था। साल 2001 में शाहरुख ने बंगले के ओनर से मीटिंग की। उन्होंने इस बंगले की वैल्यू से ज्यादा पैसे देकर उसे खरीद लिया। तब उन्होंने ये बंगला 13 करोड़ रुपए में खरीदा था। आज इस बंगले की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए है। क्योंकि ये शाहरुख खान का बंगला है तो लोग इसे 300 करोड़ रुपए में भी खरीद लेंगे। साल 2005 तक इस बंगले का नाम वीना ही था। साल 2005 में शाहरुख ने इस बंगले का नाम वीना से बदलकर मन्नत कर लिया। गौरी खान ने खुद बंगले का इंटीरियर डिजाइन किया था। अपने एक इंटरव्यू में किंग खान ने कहा था कि गौरी इस बंगले की लेडी बॉस हैं। उनकी इजाजत के बिना इस बंगले में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते।
दोस्तों साल 2021 शाहरुख खान के लिए काफी चैलेंजिंग रहा। उनके बड़े बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में अरेस्ट कर लिया गया। इस केस में आर्यन को 26 दिन जेल में भी बिताने पड़े थे। लगभग 7 महीने आर्यन पर ये केस चला, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। साल 2015 के बाद शाहरुख खान की कुछ फिल्में बड़ी सक्सेस न पा सकी, लेकिन फिर साल 2023 में शाहरुख खान ने पठान और जवान नामक दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और उन्होंने साबित कर दिया कि वो बॉलीवुड के बादशाह हैं। उनके जैसा और कोई है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी एक्टर शाहरुख खान की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।